छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के पसेल पाड़ व आसपास के जंगल पहाड़ी में किस्टाराम एरिया कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर और 208 वाहिनी कोबरा की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर रवाना हुई थी। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग करने पर एक पुरुष नक्सली का शव, एक नग 9 mm ऑटो पिस्टल में राउंडे, एक नग वॉकी टॉकी सेट, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया। मृतक नक्सली की पहचान मुचाकी मुंगड़ू के नाम में हुई है। बता दें कि मुचाकी मुंगड़ू पूर्व में सीसी मेंबर साकेत का गार्ड था और वर्तमान में डिवीजन स्क्वाड टीम का सदस्य था। 28 तारीख को रात को डीआरजी बस्तर फाइटर और कोबरा 208 की टीम टिटेमड़गु पेसल पाड़ के जंगली इलाके में, जो कि शरम पीएस के अंतर्गत आता है, उस इलाके में सर्चिंग के लिए निकली थी। 29 तारीख को सुबह लगभग 7:30 बजे जो माओवादी है उन्होंने सुरक्षा बल पे हमला करने की कोशिश की और उसका प्रत्युत्तर देते समय जवानों ने जो प्रत्युत्तर दिया उसमें एक नक्सली मारा गया। उसका नाम है मुचाकी मंगड़ू। ये पहले साकेत दादा जो सीसी मेंबर था उसका गार्ड था और एसीएम है, 5 लाख इनाम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया है। इसके साथ 9 mm ऑटो पिस्टल भी बरामद हुआ है और उसके अलावा सेट जिससे बात करते हैं और अन्य जो नक्सल सामग्री है बरामद हुई है। निश्चित ये जवान द्वारा एक अच्छी सफलता है। सर, बड़ा मुठभेड़ था सर, इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है, कुछ और जानकारी मिल पाई? इसमें जो मतलब पामेड़ एरिया की टीम भी शामिल थी, किस्टाराम एरिया की भी टीम शामिल थी। मुठभेड़ में लगभग 4-5 नक्सली और घायल होने की संभावना है, लेकिन एक नक्सली का शव बरामद किया गया और एक 9 mm ऑटो पिस्टल बरामद किया गया। आपके द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया था सर, जिसमें ये बताया गया था कि जो नक्सलियों का पता बताएगा उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम, सरकारी नौकरी का प्रावधान रखा गया है। हाँ। तो इतने किसमें कैसा इसका हुआ रहा है सर? नहीं, प्रतिशत बहुत अच्छा मिल रहा है। अंदर अंदर से फोन आ रहे हैं और नक्सलियों के बारे में जानकारी साझा की जा रही है। जो नक्सलियों को पकड़वाने में या जो भी ऑपरेशन है उसको सफल बनाने में जो भी हमारी मदद करेगा उसको हम अच्छा इनाम देंगे, उसके अलावा शासकीय नौकरी भी देंगे।